गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, हम पढ़ेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारी नर्व्स। इसके अलावा इस चैप्टर में हम कुछ रिसेप्टर ऑर्गन्स भी पढ़ेंगे जैसे ईयर है, नोज़ है, ठीक है। इसके अलावा हम आपको आई भी पढ़ाएंगे। चलिए कि करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम है इसकी यूनिट कौन होती है। नर्वस सिस्टम की यूनिट होती है न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। 100 बिलियन के आसपास होते हैं न्यूरॉन जब हम बॉर्न होते हैं, और तब हम इतने छोटे से होते हैं। आज हम इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी न्यूरॉन जितने बर्थ के टाइम पे थे उतने ही आज भी हैं। अगर न्यूरॉन डैमेज हो जाएं तो इनकी रिपेयरिंग बहुत मुश्किल होती है। न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं करते, कभी इंक्रीज नहीं होते। बर्थ के टाइम पे जितने न्यूरॉन होते हैं उतने ही आगे भी रहते हैं होल लाइफ, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन को हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। पहले न्यूरॉन इतनी सी बॉडी में फैले होते हैं, अब न्यूरॉन पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। नंबर इंक्रीज नहीं होता है, बस उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो लॉन्गेस्ट सेल अगर हमारी बॉडी की बात करी जाए तो वो कौन है? न्यूरॉन, ठीक है। तो हमारी बॉडी लंबी सेल हो गई न्यूरॉन, ये कभी डिवाइड नहीं करते। और डिवाइड नहीं करते ये, तो ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑल सेल विल डिवाइड, ठीक है। ऑल सेल विल डिवाइड बाय सेल डिवीजन प्रोसेस, मे बी माइटोसिस और मे बी मियोसिस, ठीक है। बट आपको मैं बता दूँ, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते, RBCs डिवाइड नहीं करते, ये दोनों एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर हो गया? तो न्यूरॉन्स की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाऊंगा उसी से समझाते चलेंगे। देखें तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, उसका नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी कहते हैं, ठीक है। क्या है ये? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बच्चों नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पढ़ते हैं, और आप कुछ भी पढ़ लो उसमें न्यूरॉन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। न्यूरॉन से ही बना होगा पूरा ब्रेन, पूरी स्पाइनल कॉर्ड, पूरी नर्व्स, ठीक है ना। तो वही हम बात कर रहे हैं, तो न्यूरॉन की बात करेंगे। जब आप एक न्यूरॉन यानी नर्व सेल को देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। उससे पहले लिख देता हूँ, लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। ये कभी डिवाइड नहीं करते। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट ये बना रहा हूँ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइटोन। इसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है साइटोन। इसके और भी नाम है, सोमा, सेल बॉडी, पेरिकैरियन। किसी भी नाम से आपको लिखा हुआ ये मिल सकता है। तो साइटोन, सोमा, सेल बॉडी, पेरिकैरियन इसके नाम है। फिर यहाँ से कई सारी छोटी छोटी ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी। तो कई सारे पोल्स बन गए इसके, इस तरह से। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेंड्रॉन। क्या नाम है भाई? डेंड्रॉन, ठीक है। और एक बड़ी सी ब्रांच निकलती है, उसका नाम होता है एक्सॉन। क्या नाम होता है? एक्सॉन। इसके अंदर साइटोप्लाज्म को स्पेशल नाम दिया था, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे पहले साइटोन, उससे कई छोटी छोटी ब्रांचेज डेंड्रॉन, और एक बड़ी सी ब्रांच एक्सॉन, ठीक है। डेंड्रॉन से सब ब्रांचेस निकलती हैं कई सारी। डेंड्रॉन से क्या निकलती हैं? कई सारी सब ब्रांचेस। इन सब ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। और जो लंबा सा एक्सॉन होता है इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं उन ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे?
इन ब्रांचेस को हम बोलेंगे टीलोडेंड्रॉन, टीलोडेंड्रॉन। और टीलोडेंड्रॉन से आप देखोगे टर्मिनल एंड स्वेलन होते हैं इनके, टीलोडेंड्रॉन के जो टर्मिनल एंड होते हैं फूले हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्टिक नॉब। इन्हीं को बटन भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, ये सेल बॉडी है, इसको साइटोन, सोमा और पेरिकेरियन कहते हैं, इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकले डेंड्रॉन, उसकी भी सब ब्रांचेस हैं डेंड्राइट, और एक बड़ी सी ब्रांच निकली है साइटोन से एक्सॉन, इसमें साइटोप्लाज्म का स्पेशल नाम हो जाता है एक्सोप्लाज्म। फिर उससे कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, मैंने दो दिखाई हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इनको टीलोडेंड्रॉन कहते हैं, इनके टर्मिनल एंड फूले होते हैं, उन्हें साइनेप्टिक नॉब या बटन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आप देखोगे साइटोन में एक न्यूक्लियस दिखाई देगा बड़ा सा, क्या दिखाई देगा? बड़ा सा न्यूक्लियस, ठीक है। फिर इसमें साइटोप्लाज्म दिखाई देगा इस तरह से, ये साइटोप्लाज्म इस तरह से, ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हो गया, यहाँ पे इसका नाम है एक्सोप्लाज्म। आप देखो कि एक्सॉन के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन है वो बेसिकली, इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन या लेयर या कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या नाम है बेटा? माइलिन शीथ। ये जो दिख रही है माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीत, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है माइलिन फॉर्मिंग सेल्स का नाम बताइए, तो आप बताओगे स्वान सेल, तो फॉर्म्ड बाय स्वान सेल, फॉर्म्ड बाय स्वान सेल, स्वान सेल इसको बनाएगी, किसको? माइलिन शीत को। ये मेडअप होती हैं लिपिड से, मेडअप ऑफ लिपिड, और इसी वजह से ये वाइट कलर की होती हैं। कैसे कलर की होती हैं? वाइट होती हैं। ये इंसुलेटर होती हैं, इम्पल्स को लीक होने से रोकती हैं। कैसी होती हैं? इंसुलेटर की तरह काम करेंगी, इम्पल्स के लीक होने को रोकती हैं। फिर क्या पूरा का पूरा एक्सॉन माइलिन शीथ से कवर होता है? आप बोलोगे नहीं, जो पार्ट कवर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्वेश्चन आ सकता है नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, तो आप बताओगे नोड्स ऑफ रेनवियर इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सॉन दैट नॉट कवर्ड बाय माइलिन शीथ, ठीक। तो हमें एक न्यूरॉन यहाँ पर समझ में आ गया, न्यूरॉन कई सारे यहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है एक्सॉन के ऊपर, उसका नाम है नोड्स ऑफ रेनवियर। तो क्वेश्चन आएगा नोड्स ऑफ रेनवियर क्या है, तो आप बताओगे ये एक्सॉन का वो पार्ट है जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती। क्या है? एक्सॉन का वो पार्ट जहाँ माइलिन शीथ नहीं होती, वो है नोड्स ऑफ रेनवियर। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए, उसके बाद आप क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फोर टाइप के न्यूरॉन आपको ये दिख रहे हैं, एक ये पांचवा है। देखिए सबसे पहला होता है नॉन पोलर न्यूरॉन या एपोलर न्यूरॉन। इसमें न्यूरॉन पे ना कोई साइटोन है, ना कोई एक्सॉन है, ना डेंड्रॉन है, कुछ नहीं है, बस एक जाल फैला हुआ है। एनिमल किंगडम में एक फाइलम था सीलेंट्रेटा, जिसमें हम एनिमल पढ़ते हैं हाइड्रा, आपको ऑप्शन हाइड्रा ही मिलेगा। सिर्फ हाइड्रा में ही, सिर्फ हाइड्रा में ही, सिर्फ हाइड्रा में ही आपको नॉन पोलर न्यूरॉन मिलेगा। यूनिपोलर न्यूरॉन इसमें एक पोल होगा, ये कहाँ मिलेगा? एम्ब्रियोनिक, हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक पोल वाला होगा, साइटोन से सिर्फ एक ही ब्रांच निकली है। स्यूडो यूनिपोलर, ब्रांच तो एक निकली है लेकिन वो आगे जाके दो ब्रांच में डिवाइड हो गई है,
तो ये स्यूडो यूनिपोलर हो गया। ये कहाँ मिलेगा? स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। कहाँ होगा? स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। फिर होते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है। इसमें साइटों से एक तरफ निकलता है डेंड्रॉन, एक तरफ निकला होता है एक्सॉन, तो इसे बोलेंगे बाइपोलर। ये हमारी आई की रेटिना में होता है, आई की इनर लेयर होती है रेटिना, जहाँ पर इमेज बनती है वहाँ पर ये मिलेगा। और फिर आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये देखो कितने सारे पोल्स हैं, साइटों से एक पोल, दो पोल, तीन, कई सारे पोल बन गए, नहीं बन गए, तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन। हमारी बॉडी के ज़्यादातर पार्ट में यही वाला होता है। तो ए पोलर या नॉन पोलर हाइड्रा में, यूनिपोलर हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, स्यूडो यूनिपोलर स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल साइड पर रूट गैंग्लियन होता है वहाँ पर, आई की रेटिना में ये वाला, और हमारी ज़्यादातर बॉडी में ये वाला, ठीक है। इसके अलावा दो और टाइप के न्यूरॉन होते हैं, एक मेडुलरी, एक नॉन मेडुलरी, या हम मेडुलेटेड नॉन मेडुलेटेड भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? जिनमें माइलिन शीथ होगी वो मेडुलेटेड या माइलिनेटेड है, जिन्हें माइलिन शीथ नहीं है वो नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड है, नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड, जिस पे माइलिन शीथ नहीं है, मेडुलेटेड और माइलिनेटेड जिसमें माइलिन शीथ है। CNS और PNS, आगे बताऊंगा क्या होता है CNS PNS, उसमें माइलिन वाले होते हैं, और जिस ANS और SNS में क्या होता है? नॉन माइलिनेटेड। क्या है CNS PNS ANS SNS? वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।